नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयकृति योगी और चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। नागौर के मेड़ता सिटी में सुपारी और मसाला विकास निगम केरल और स्थानीय कृषि विभाग के तत्वावधान में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के विशेषज्ञों ने काश्तकारों को विभिन्न मसाला विशेषकर जीरा, मेथी, सौंफ और सिंधी सुआ सहित अन्य मसालों के लिए मारवाड़ की धरती को सर्वाधिक उपयुक्त बताया। साथ ही वैज्ञानिकों ने उपस्थित किसानों को मसाला फसलों में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों के नियंत्रण को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में पंचायती राज उप शाखा मांडलगढ़ के मंत्रालय कर्मचारियों ने ग्रेड स्टेट संशोधित करने सहित 11 सूत्रीय मांगों का मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन मांडलगढ़ तहसीलदार महावीर प्रसाद शर्मा को सौंपा है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ के बड़ौदा मीव कस्बा क्षेत्र के गांव रेस्ती में बगैरी की दहशत है। ग्रामीणों ने इस बारे में उपखंड अधिकारी को अवगत कराया है। सीकर पुलिस अधीक्षक अखिलेश कुमार ने रिंगस कस्बे का दौरा किया और रिंगस खाटू श्याम जी सड़क मार्ग पर अतिक्रमण को हटवाया। बाड़मेर के बालोतरा कस्बे में केश कला बोर्ड के अध्यक्ष मोहन मोरवाल ने कहा कि सैन समाज को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की जरूरत है। मोरवाल ने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है, इसी के तहत सैन समाज के उत्थान के लिए केश कला बोर्ड के रूप में समाज को सौगात दी गई है। जोधपुर के बिलाड़ा में भाजपा के नवनियुक्त नगर मंडल अध्यक्ष मदन सिंह राठौर ने राज्यसभा सांसद रामनारायण डूडी से मुलाकात की और क्षेत्र के विकास के बारे में चर्चा की। इस मौके पर डूडी ने कहा कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनसेवा में तत्पर रहे। जोधपुर के बिलाड़ा थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले नेशनल हाईवे पर पलटे गैस से भरे ट्रक मामले को लेकर डिपो प्रभारी और अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जहां थानाधिकारी घेवर सिंह ने बताया कि घटना में लापरवाही बरतने और नेशनल हाईवे बंद करने के कारण आमजन पर आए संकट के कारण मामला दर्ज किया गया है। चित्तौड़गढ़ के अकोला के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के क्षेत्र में टीबी खोजो अभियान की शुरुआत की गई, जहां प्रधानमंत्री 2024 तक देश में टीबी को समाप्ति के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में टीबी रोग ग्रस्त और टीबी का उपचार ले रहे रोगी की पहचान के लिए अभियान जारी है। चुरू के रतनगढ़ में तहसील के ग्राम जैतासर में नवनिर्मित श्री करणी माता मंदिर में श्री करणी माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जहां मंदिर में मूर्ति स्थापना के 3 दिवसीय समारोह के तहत ग्राम के शिव मंदिर से जुड़िया धाम अधिष्ठाता समाकुवर बाईसा के सानिध्य में 251 कलश की विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा ग्राम के विभिन्न मार्गों से होती गुजरी, गाजेबाजे के साथ नवनिर्मित मंदिर पहुंची। वहीं दूसरे दिन मंगलवार को पंडित शिव नारायण शास्त्री के आचार्यत्व में हवन किया गया। इस अवसर पर मौजूद रतनगढ़ डीएसपी नारायण दान चारण, पंचायत समिति प्रधान गिरधारी लाल बागड़वा, पंचायती समिति सदस्य कल्याण सिंह शेखावत ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। जैसलमेर के पोखरण के भैसड़ा गांव में डिस्कॉम के 400 केवी जीएसएस की चार दीवारी में बंद किए गए शहीद अगर सिंह स्मारक के लिए रास्ता दिलाने की मांग को लेकर एसडीएम से प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की, जहां भैसड़ा जीएसएस पर गेट रखने की मांग को लेकर वीरांगना सहित ग्रामीण दूसरे दिन भी धरने पर बैठे हुए हैं। चुरू के सरदार शहर के अर्जुन क्लब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हर साल की तरह इस साल भी वीर तेजाजी युवा संगठन द्वारा एक विशाल रक्तदान और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां इस अवसर पर रक्तदान शिविर में पूरी तहसील से आए युवाओं के रक्तदान करने के लिए एक होड़ती लगी है। अलवर के बहरोड़ डीएसपी परमान सिंह ने बताया कि अग्निवर्षा यंत्र का बहरोड़ के निम्भोर चौकी के सामने सरकारी जमीन पर अभ्यास किया गया है। इस दौरान अग्निवर्षा यंत्र के बारे में सामान्य जानकारी दी, साथ ही अभ्यास और वीएच संचालन भी करवाया गया। नागौर के लाडनू में केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी का 70वां जन्मदिन मनाया गया। गौपुत्र सेना लाडनू और हरि बोल प्रभात फेरी ने आदर्श ज्ञान मुखबंदी विद्यालय में जन्मदिन मनाया। बाड़मेर के कल्याणपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत कांकराला में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता सप्ताह की शुरुआत की गई, जिसका प्रारंभ स्वच्छता रैली से किया गया। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वार्ड वाइज निगरानी कमेटी का गठन किया गया। स्वच्छता रैली के अंतर्गत ग्रामवासियों को खुले में शौच नहीं करने और शौचालय का उपयोग करने के लिए समझाया गया। सीकर के रिंगस में बाबा श्याम का लक्खी मेला शुरू हो गया है, जहां 10 दिन तक चलने वाले मेले में बाबा श्याम के मेले में देश के कोने कोने से भक्त दर्शनों को आएंगे। वहीं इस बार मंदिर कमेटी ने बाबा के सिंह द्वार पर कामधेनु के बीच ग्वाले कृष्ण की आकर्षण सजावट की है। पाली के मारवाड़ जंक्शन के आउवा गांव के मेला चौक पर सरगरा समाज द्वारा धार्मिक आयोजन किया गया।
जहां संत शंकरदास महाराज के देवलोक गमन होने पर भंडारे का आयोजन किया गया। डूंगरपुर के झोत्री में जयकारों के साथ मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया गया, जहां विकास नगर गांव में श्री राम मंदिर जीर्णोद्वार एवं शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन हुआ। जयपुर के पावटा में राजस्व विभाग की टीम ने जोहड़ा धाम के पास और शमशान घाट के पीछे पंचवीरों के मंदिर के पास पंचायत द्वारा कब्रिस्तान की चार दीवारी बनाकर खुदवाई गई नींव के बाद उपजे विवाद को लेकर हल्का गिरदावर और पटवारियों की 5 सदस्यीय टीम ने मिलकर सीमा ज्ञान किया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में हिंदू जागरण मंच के तत्वावधान में आयोजित हिंदवी तांडव और श्रीमद भागवत गीता के तीसरे दिन व्यासपीठ से साध्वी अखिलेश्वरी दीदी माँ ने विभिन्न प्रसंगों की व्याख्या की। वही कथा प्रसंगों के दौरान शिव पार्वती विवाह की जीवन झांकी सजाई गई। कथा पांडाल में बाबा शिव की भूतों की बारात आई तो उपस्थित महिलाएं एवं भक्तजनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। उदयपुर के झाड़ोल में बजरंग दल ने गौरक्षा को लेकर रैली निकाली, जहां झाड़ोल कोट चौराहा पहुंचकर रैली ने ग्रामीणों को गौरक्षा का संदेश दिया। सीकर के रिंगस में खाटू श्याम मेले को लेकर पुलिस अधीक्षक अखिलेश कुमार ने कस्बे में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली है, जहां बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आने वाले श्रद्धालु और भक्तों को बेहतर सुविधाएं कैसे दें, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। जयपुर के चोमू शहर के थाना मोड़ तहसील परिसर के सामने राजस्थान मानवाधिकार मंच के बैनर तले सैकड़ों हिंदुवादी संगठनों ने सांकेतिक धरना दिया है। धरना प्रदर्शन के बाद संघ के कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ये धरना केरल की मार्क्सवादी सरकार द्वारा संघ एवं हिंदुवादी संगठन कार्यकर्ताओं पर नरसंहार के विरोध में धरना दिया गया है। जयपुर के पावटा में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन ने सुदरपुरा, ढांडा और पुरुषोत्तमपुरा पंचायतों का पावटा प्रधान रेखा मीना और विकास अधिकारी राजवाला मीना के साथ निरीक्षण किया, जहां उन्होंने पंचायतों में बन रहे शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना का जायजा लिया। वही ग्रामवासियों ने गांव में पेयजल की समस्या से अवगत कराया और निदान कराने की मांग की। नागौर के मेरता सिटी में सुपारी एवं मसाला विकास निगम कालीकट केरल और स्थानीय कृषि विभाग के तत्वावधान में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा कस्बे में कार और बाइक की टक्कर में घायल प्रौढ़ ने मोड़ासा में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में त्रिमेश 84 के तत्वावधान में भव्य और दिव्य शिव कथा का आयोजन 20 मार्च से होगा। उदयपुर के फलासिया के गोगुंदा उपखंड के मादड़ा गांव में जैन समाज के 2 मुनि और 3 साध्वी मंगल ज्योति, विकास ज्योति और ऋतु प्रभा ने 18 दिनों तक जप तप के बाद प्रातः 9 बजे घोड़ा निकाला। जयपुर के सांवर लेक में पुलिस थाने में धुरंधी के दिन आयोजित होने वाले भगवान नंदकेश्वर के मेले को लेकर CLG बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शांति से मेला आयोजित करने पर चर्चा की गई। साथ ही CCTV कैमरों से मेले की निगरानी करने का निर्णय लिया गया। बूंदी के केशवराय पाटन पंचायत समिति क्षेत्र की भीमा ग्राम पंचायत में मुख्य मार्ग से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीण कल्याण रायजी मंदिर के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार वार्ड नंबर 1 और 2 में गांव के प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रास्ते को संकरा कर दिया है, जिसके चलते गांव में गौरव पथ निर्माण में समस्या हो रही है। मामले में पंचायत के उपसरपंच सहित वार्ड पंच भी धरने के समर्थन में आ गए हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जोधपुर के बिलाड़ा में नगर को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए व्यापारियों और अधिकारियों की बैठक उपखंड अधिकारी हरि सिंह लंबोर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जहां बिलाड़ा क्षेत्र में 1 माह में 3 बार अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा। वहीं लंबोरा ने बताया कि हर दुकान के आगे कचरा पात्र लगाकर स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। पाली के रानी उपखंड के खोड़ कस्बे में कस्तूरबा बालिका विद्यालय में सर्व शिक्षा के तहत 2 दिवसीय बाल मेला का आयोजन किया गया। बारा के किशनगंज के भवरगढ़ नाकाबंदी के दौरान बुचड़खाने ले जाई जा रही 33 भैंसे घायल अवस्था में मिली, पुलिस ने ट्रक को जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
चित्तौड़गढ़ के राशमी में अखिल भारतीय हरिवंश कीर समाज उपशाखा राशमी के तहसील कार्यकारिणी के चुनाव प्रमुख शक्तिपीठ मीर माताजी में हुए। चुनाव में कैलाश कीर कीरखेड़ा सर्वसम्मति से तहसील अध्यक्ष चुने गए। पाली के देसूरी थाने में पिछले दो दिनों से स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर सफाई अभियान का कार्यक्रम किया गया, जहां देसूरी थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह भाटी के निर्देशन में समस्त स्टाफ सहित हेड कांस्टेबल ईश्वर सिंह राणावत, हेड कांस्टेबल तेज सिंह ने संपूर्ण थाने परिसर में मैदान की सफाई की। पाली जिले के देसूरी पंचायत समिति के सभागार में उपकरण अधिकारी राजेश मेवाड़ा की अध्यक्षता में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में तहसीलदार हसमुख कुमार, बीडीओ विक्रम सिंह राजपुरोहित भी मौजूद रहे। सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी भी यहां मौजूद रहे। बैठक के दौरान उपकरण अधिकारी मेवाड़ा ने समस्त पदाधिकारियों से प्रगति की रिपोर्ट मांगी। राजसमंद के आमेर ने प्रशासन में पिल्ला पंचा चलाया और 5 हेक्टेयर चारागाह भूमि से अतिक्रमण को हटवाया गया। जोधपुर के शेरगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के 11 परीक्षा केंद्रों पर सीनियर सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षाएं हुई। शेरगढ़ के उपकरण अधिकारी विकास राजपुरोहित और बोर्ड के उड़न दस्तों ने परीक्षा केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। सीनियर स्कूल शेरगढ़ के परीक्षा केंद्र पर पहले दिन 13 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। भरतपुर जिले के वैर के निकटवर्ती गांव त्योहारी में शहीद हवलदार राजेंद्र सिंह विधुड़ी की प्रतिमा का अनावरण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक जगन सिंह ने फीता काटकर प्रतिमा का अनावरण किया। भीलवाड़ा के बिजोलिया कस्बे में चल रही पत्थर फैक्ट्रियों से निकलने वाली स्लरी मवेशियों के लिए मौत का दलदल साबित हो रही है, जहां पत्थर फैक्ट्रियों से घिसाई के दौरान निकलने वाली स्लरी यानी गीले मलबे का केसरगंज स्थित बंद पड़ी खदानों में डालने से बने दलदल में फंसकर गाय बछड़ों समेत कई मवेशी अब तक बुरी तरह घायल हो चुके हैं। पिछले 2-3 दिनों से लगातार मलबे में फंस रही गायों को ग्रामीणों ने क्रेन की सहायता से निकालकर बचाने का प्रयास किया। देसूरी और फैक्ट्री मालिकों और प्रशासन के रवैये से आक्रोशित हिंदू संगठन और कस्बे वासियों ने इसके लिए जिम्मेदार फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने और फैक्ट्रियों के लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है। अजमेर के मसूदा में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा मसूदा से रामगढ़ रोड पर पैचवर्क कार्य कराया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार लीपापोती कर रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि मसूदा से रामगढ़ के मध्य जारी सड़क के पैचवर्क कार्य में संबंधित ठेकेदार द्वारा महज खाना पूर्ति की जा रही है। टोक के उनियारा में रघुनाथ जी मंदिर के पीछे हैंडपंप के पास रखे कचरे पात्र से गंदगी फैल रही है। जानवरों को पीने के लिए जो टंकी बनाई गई है, लोगों द्वारा उसमें कचरा डाला जाता है, जिससे दुकानदार काफी परेशान हो चुके हैं। दुकानदार कई बार पालिका को समस्या के निवारण की बात कहकर अवगत करा चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है। अलवर के रामगढ़ बड़ौदा मेव कस्बे में अतिक्रमण एक बार फिर से पांव जमाने लगा है। पुलिस और प्रशासन ने अलवर भरतपुर मार्ग के मुख्य बाजार से 1 सप्ताह पूर्व भी अतिक्रमण हटाए थे। अतिक्रमण न हो इसके लिए स्कूल ने 4 दीवारी से 5 फीट तक कांटेदार तारों की फेंसिंग कर दी थी, जहां एक बार फिर से ठेले वालों का फिर से थाने के सामने अतिक्रमण होने लगा है। 12 के छबरा धरनावदा मार्ग पर 2 जीपों की भिड़ंत से मरने वालों की संख्या दुगनी हो गई है। जोधपुर के भोपालगढ़ पंचायत समिति में दिल्ली नेहरू युवा केंद्र संगठन के निदेशक एनके सिंह ने भोपालगढ़ स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त राजीव गांधी युवा क्लब भोपालगढ़ के कार्यों का अवलोकन किया। जोधपुर के बालेसर पंचायत समिति के ढांडणिया भायला स्थित सरकारी स्कूल में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग क्षेत्र कार्यालय जोधपुर व्यास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के तत्वावधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ। जोधपुर के ओसिया पंचायत समिति के पीपा क्षत्रिय समाज गायत्री परिवार ओसिया के संयुक्त तत्वावधान में 8 मार्च को खेतेश्वर सर्किल स्थित पीपाजी मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। सीकर में रिंगस में खाटू श्याम जी एसपी अखिलेश कुमार ने मेले की व्यवस्थाओं के निरीक्षण के बाद पुलिस थाना परिसर में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बाड़मेर के चौटन में थानाधिकारी ओम प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि हाइड्रो ट्रक और ओवरटेक करने के दौरान रोडवेज बस ने पीछे से टक्कर मार दी थी, इससे बस में सवार 5 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। 12 के अट्टू में शिव सैनिक कार्यकर्ताओं ने कस्बे में अवैध तरीके से बेचे जा रहे गांजा शराब की बिक्री को लेकर एसडीएम जब्बर सिंह को ज्ञापन सौंपा है। 12 के अंता में माध्यमिक बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हुई, जिसे लेकर प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं कर ली है। भीलवाड़ा के बनेड़ा पंचायत क्षेत्र में मनरेगा का काम जेसीबी से किया जा रहा है। कार्यस्थल पर मेडिकल किट भी उपलब्ध नहीं है। छाया की व्यवस्था नहीं होने से श्रमिक धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठने को मजबूर है। इस पर सचिव प्रहलाद मीणा ने मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान अनियमितताएं सामने आई है। 3 जगहों पर मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया गया।
जहां 63 श्रमिक गैर हाजिर मिले जिनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई है। सभी तालाब पर चल रहे कार्यस्थल पर मेल रहे थे, यहां जेसीबी से काम होने की बात सामने आई है। उदयपुर में कोटरा के लक्ष्मीपुरा गांव में बस स्टैंड पर स्थित किराना की दुकान का शटर तोड़ने की कोशिश करते युवकों को दुकान के बाहर सो रहे 50 साल के दिव्यांग मंगल सिंह ने ललकारा। इस पर युवक शिफ्ट कार से भाग निकले। दिव्यांग ने बेटी को जगाया और दोनों ने वैन से चोरों को पीछा किया। ओझियाणा गांव तक पीछा किया, लेकिन कुछ देर बाद चोरों की कार ओझल हो गई। दिव्यांग गांव में ही चोरी को ढूंढता रहा, कुछ देर बाद ही ओझियाणा में स्कूल के पास पप्पूड़ी देवी के घर से मोबाइल लेकर एक युवक को निकलता देखा गया। बाड़मेर के बायतू में भुट्टे और सरपंच के घर से चोर बोलेरो कैंपर चुरा कर ले गए। हनुमानगढ़ के नोहर में राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह बेनीवाल ने क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं जानी, जहां ग्रामीणों ने गांवों, पेयजल, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क और कृषि से जुड़ी समस्याएं रखी। पाली के सुमेरपुर के जवाई बांध रोड स्थित नवनिर्मित श्री द्वारकाधीश मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जयकारों के बीच मूर्ति स्थापित की गई। राजसमंद के आमेट के 13 सभा भवन में अनुदर समिति द्वारा नशा मुक्ति, पर्यावरण शुद्धि और स्वच्छ भारत पर आधारित प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सवाईमाधोपुर के खंडार कचनारी गांव में अब जाकर हालात सामान्य हो रहे हैं। यहां गांव छोड़कर गए एक दर्जन से अधिक दलित परिवार प्रशासन की दखल के बाद फिर गांव लौटने लगे हैं। जानकारी के अनुसार ये सभी दलित परिवार हैं। एक विशेष समाज द्वारा धमकाने के बाद गांव छोड़कर चले गए थे, जहां एक बार फिर वापस लौटे परिवारों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। अजमेर के केकड़ी में अतिक्रमण के खिलाफ पालिका प्रशासन ने कार्रवाई की, जहां देवगांव गेट के बाहर लगे अतिक्रमण को जेसीबी के द्वारा हटाया गया। इसी दौरान प्रशासन को अतिक्रमणकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। पालिका प्रशासन की कार्रवाई के दौरान विरोध कर रही एक महिला जेसीबी के पंजे में आ बैठी, जहां काफी समझाइश के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को पूरा किया गया। सिरोही के पिंडवाड़ा गांव में एसडीएम की अध्यक्षता में चौपाल आयोजित की गई, जहां ग्रामीणों ने रात 8 बजे के बाद शराब बेचने और कंपाउंडर द्वारा इलाज के नाम पर रुपए वसूलने जैसी समस्याओं के बारे में बताया। इस पर उपखंड अधिकारी ने जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। टोक के मालपुरा अवैध विस्फोटक कारोबार का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने अवैध विस्फोट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार राजनीतिक संरक्षण के चलते ये अवैध विस्फोटक का कारोबार फैलता जा रहा है। जानकारी के अनुसार ये विस्फोटक अवैध खनन में काम करता है और काफी समय से यहां अवैध विस्फोटक का अवैध काम चल रहा है, लेकिन पुलिस इन माफियाओं पर राजनीतिक संरक्षण के चलते कार्रवाई नहीं करती। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भरतपुर के बीच के ब्रज में अद्रिबद्री धाम के पहाड़ों में हो रहे खनन को रोकने के लिए 10वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। जहां धरना स्थल पर एक तरफ तो हिंदुओं का कीर्तन जारी है, वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों द्वारा नमाज पढ़ी जा रही है। बांसवाड़ा के छोटी सरवन पंचायत समिति के बड़ी रेल में छोटी सरवन तहसीलदार ने एक बाल विवाह रुकवाया। बांसवाड़ा के घाटोल एसडीएम राजेश द्विवेदी ने उपखंड के पड़ोली राठौर जनजातीय आश्रम छात्रावास और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। बांसवाड़ा के छोटी सरवन पंचायत समिति में ब्लॉक छोटी सरवन में बीजेपी की बैठक हनुमान मंदिर में सुभाष रावल और वरिष्ठ अतिथि धर्वश देवारा के मुख्य आतिथ्य में हुई। बांसवाड़ा के छोटी सरवन उपखंड क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पाली की रानी नगर पालिका क्षेत्र में इन दिनों आवारा पशुओं का जमावड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पाली के सोजो सिटी में पदाधिकारियों ने फिर एक महिला की जान बचाई, जहां हिमांशु व्यास ने बताया कि पिछले एक साल से हमारी 250 से अधिक की टीम ने सैकड़ों लोगों को रक्तदान किया है। सीकर के धोद में मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़ने की लापरवाही पर उपखंड अधिकारी ने 23 BLO को नोटिस जारी किया है।
बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में पाटन पुलिस ने 25 पेटी अवैध बियर पकड़ी है। हनुमानगढ़ के टिब्बी में तलवाड़ा झील सड़क मार्ग पर गत दिनों सड़क हादसे में घायल के उपचार के दौरान पीबीएम अस्पताल बीकानेर में मौत हो गई। इस संबंध में पुलिस थाने में केस दर्ज नहीं हुआ है। जालौर के जसवंतपुरा लोहियाड़गढ़ कस्बे में स्थित सबरनाथ की गुफा आस्था का केंद्र बनता जा रहा है। इस गुफा में रावणनाथ महाराज ने 400 साल पहले तपस्या की थी। कोटा इटावा में लंबे अरसे से रसद निरीक्षण का पद रिक्त है, जहां गांवों में राशन विक्रेताओं द्वारा राशन नहीं दिए जाने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि हर बार राशन विक्रेता पोस्ट मशीन में खराबी का बहाना बनाकर तड़का देते हैं। उन्होंने बताया कि यहां 7 साल से रसद निरीक्षक का पद खाली है। धौलपुर के राजाखेड़ा सड़क पर ओवरलोड वाहनों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस और परिवहन विभाग दोनों ही लापरवाह नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार रोजाना अनेक ओवरलोडेड वाहन इस सड़क मार्ग से गुजरते रहते हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन विभाग अभी तक कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, जिसे जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। सिरोही के आबू रोड में हत्या के आरोपित पति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जानकारी के अनुसार ये वारदात 27 अगस्त 2015 को गाँव में स्थित कृषि कुएं पर हुई थी, जहाँ वारदात मामले में 22 गवाहों ने आरोपी के खिलाफ गवाही दी, जिसके बाद आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अजमेर के भिनाई में सिंगावल सरपंच बेबी कवर राठौर ने गांव में चौपाल लगाकर समस्याएं सुनी, जहां बेबी कवर ने बिजली, सड़क, नालियों जैसी समस्याओं को जल्द निपटाने का आश्वासन दिया है। झालावाड़ के बकानी में अवैध जल दोहन से रिछवा कस्बे का तालाब सूख गया है, जहां सरकारी महकमे की अनदेखी के चलते गर्मी से पहले ही तालाब सूख गया है। अवैध सिंचाई और जल दोहन से गर्मी में ग्रामीण और पशुओं के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर अब ग्रामीणों को गर्मी से दूर दराजों के इलाकों से पानी लाना पड़ता है। झालावाड़ खानपुर के गुराड़िया गांव में महिला के साथ अश्लील हरकत का मामला सामने आया है, जहां कुएं पर कपड़े धोते समय आरोपी जगदीश तंवर ने पीड़ित महिला के साथ अश्लील हरकतें की। फिलहाल आरोपी जगदीश तंवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जहाँ बकानी पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। जालौर के आहोर क्षेत्र में तम्बाकू नियंत्रण अभियान के तहत अधिकारियों ने केवल तंबाकू उत्पाद जलाकर खाना पूर्ति कर रहे हैं, जबकि अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा रही। अजमेर के विजयनगर में पालिका कर्मचारी कनिष्ठ लिपिक इरफान पर आमजन से अभद्र भाषा में बात करने पर गाज गिरी है। कर्णी सेना सहित विभिन्न संगठनों ने मसूदा विभाग सुशील कंवर पलाड़ा से शिकायत की थी, जहाँ शिकायत पर विधायक ने तुरंत की कार्रवाई करते हुए लिपिक इरफान को APO कर दिया, जहाँ आमजन ने विधायक का आभार जताया है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में बीएमए के अभाव के 108 एम्बुलेंस बंद पड़ी है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। झालावाड़ खानपुर के संसदीय सचिव नरेंद्र नागर के प्रयास रंग लाए, जहां सचिव नरेंद्र नागर की मेहनत से दराअर्निया स्टेट हाईवे का कायाकल्प होगा। आपको बता दें कि ये 64 किलोमीटर का ये स्टेट हाईवे 145 करोड़ की लागत से बनेगा, जहाँ 1.5 वर्ष में दिल्ली की कंपनी ये कार्य पूरा करेगी। झालावाड़ मनोहर थाना के राजकीय प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर खेती हो रही है, जहां परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, साथ ही चारदीवारी भी जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मामले को लेकर प्रशासन अभी तक मौन बैठा हुआ है, जिसके चलते दबंगों की मौज हो रही है, साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी दबंगों के आगे लाचार नजर आ रहे हैं। झालावाड़ पिड़ावा के कोलकी गाँव में युवक को लाठी से मारपीट का मामला सामने आया है, जहाँ पुलिस ने घायल युवक का मेडिकल करवाकर आरोपी शिवदान सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। झुंझुनू के नवलगढ़ के DEO के फैसले के खिलाफ ग्रामीणों ने राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय में बोर्ड परीक्षा में लापरवाही बरतने पर तालाबंदी कर विरोध जताया गया। इस विरोध में संस्था प्रधान सावरमल सैनी को APO करने का विरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि DEO ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्रवाई की है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने अवैध रूप से नीली बत्ती लगाकर कार को जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार कार चालक नीली बत्ती की धौंस दिखाकर नो एंट्री में प्रवेश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कार के कागज और नीली बत्ती की गहनता से जांच की गई तो मध्य प्रदेश नंबर कार में लगी बत्ती अवैध निकली। सीकर के लोसल में पानी का नाला टूटने के कारण हादसों का अंदेशा बना हुआ है, वहीं शिकायत के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में पुलिस की मिलीभगत से कॉपीराइट एक्ट के तहत ठगी का खेल चल रहा है, जहां दुकानदारों से 25,000 तक वसूले जा रहे हैं। इस मामले में कई दुकानदार लाखों की ठगी का शिकार हो चुके हैं। ये खेल बंटी बबली की तर्ज पर चल रहा है। कार्रवाई के लिए रिपोर्ट थाने में दी गई है। सीकर के पिपराली कस्बे में लगातार बढ़ती चोरियों को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है।
जहां उनका कहना है कि कस्बे में लगातार बढ़ती चोरियों से व्यापारी परेशान है और उन्होंने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। दौसा के सिकराई के राडोली पंचायत में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। हनुमानगढ़ के भादरा में स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 से 17 के सरकारी आदर्श उच्च माध्यमिक स्कूल डाबड़ी को स्वच्छ स्कूल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जहां एक समारोह में प्राचार्य जयवीर सिंह को शिक्षा मंत्री ने स्वच्छ स्कूल का प्रशस्ति पत्र देकर 50,000 रुपए देकर सम्मानित किया। करौली के टोडा भीम में 2 राशन डीलरों को शिकायतों के बाद निलंबित कर दिया गया है। यहाँ राशन सामग्री वितरण की शिकायत मिल रही थी। शिकायत पर एसडीएम ने राशन डीलरों को कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब देने को कहा था। वार्ड 9 का डीलर संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाया, जबकि ग्राम माता शुला का डीलर उपस्थित ही नहीं हुआ। धौलपुरी के बसेड़ी में 21 वर्षीय युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। विवाहित महिला के पति ने नादनपुर थाने में मामला दर्ज करवाया है। आरोप है कि खेत पर जाते समय उसके साथ रेप किया गया। मामला नादनपुर गाँव का है। आरोपी गुड्डू ब्राह्मण अभी फरार चल रहा है। जालौर के सांचौर बावला ग्राम पंचायत की सहकारी समिति को रघुनाथपुरा में स्थानांतरित करने का विरोध जताया जा रहा है, जहां ग्रामीणों ने उपकरण अधिकारी को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही सहकारी समिति को यथावत रखने की मांग भी रखी है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।